हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये हेलो आइज़ लुक। और ये लुक मैंने क्रिएट किया है किसी यूट्यूबर से इंस्पायर्ड होके। आई विल मेंशन द लिंक ऑफ दैट यूट्यूबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आई होप आप सभी इन दिनों घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये ट्यूटोरियल और देख लेते हैं ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। बट येस, दिस इज़ हाउ आई लुक। येस, और मैं अपने बालों को पीछे टाई कर रही हूँ एंड यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन ओवर हेयर। और सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा क्रीम फ्रॉम वाओ स्किन साइंस। और ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, एक्चुअली मुझे जब से रिसीव हुआ है मॉर्निंग में मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। ये एंटी एजिंग है, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ अपने अंदर होल्ड करता है। तो आफ्टर मॉइस्चराइजेशन हम बढ़ेंगे अगले स्टेप की तरफ और वो होगा हमारा आज का आई मेकअप। सबसे पहले तो उसमें आज मैं मेकअप रिवोल्यूशन का ये कलरफुल पैलेट यूज़ करूँगी, जिनमें ये लाइम ग्रीन और ये ऑरेंज कलर, इन दो का मेन कॉम्बिनेशन होने वाला है। बट उससे पहले चलिए ग्रूम कर लेते हैं अपने आईब्रोज़ को। तो मेकअप रिवोल्यूशन का ही मैं आईब्रो पैलेट ले रही हूँ। इसमें से मैं जो वैक्सी ब्राउन कलर है डार्क वाला, उसको ले रही हूँ। ये बहुत अच्छा है और बहुत नेचुरल फिनिश देता है। और इसको मैं एक छोटे से एंगुलर ब्रश की मदद से फिल करने में मदद ले रही हूँ। इसको मैं अपने जहाँ पे भी थोड़ा बहुत गैपिंग्स मुझे दिख रही हैं उसको मैं फिल करने के लिए यूज़ करूँगी। एंड थोड़ा थोड़ा करते ना मैं थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ाने की कोशिश करूँगी। एंड आई हैव परफेक्टली ग्रूम्ड माई आईब्रोज। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का कंसीलर। और इसमें जो शेड यूज़ कर रही हूँ मैं, अगर आप अभी तक देखते होंगे मेरा चैनल तो आपको पता होगा, ये है कैरमल शेड। इससे मैं अपनी पूरी आईब्रोज के नीचे, ऊपर और आईलिड को अच्छे से कवर कर लूँगी। एंड देन इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर लगाने से आपको एक अच्छा सा बेस मिल जाता है और जो भी कलर हम यूज़ करने वाले हैं आई शेडो के, वो अच्छे से पॉप होके नजर आएंगे। तो यहाँ पे एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं पूरे कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। एंड देन मैं इस पर वर्क करूँगी ताकि कलर जो हैं वो सारे जो भी आज मैं यूज़ करने वाली हूँ वो वाइब्रेंट और ज़्यादा नज़र आए। तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड देन कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप डायरेक्टली अगर कंसीलर पे आई शेडो पाउडर्स को यूज़ करेंगे तो वो हो सकता है क्रीसिंग करें, इसलिए मैं पहले सेट कर ले रही हूँ कंसीलर को। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी ये ऑरेंज कलर। तो एक फ्लफी ब्रश की मदद से मैं अपने आईज़ पे उसको प्लेस करना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आउटर कॉर्नर्स पे उसे प्लेस करूँगी एंड स्लोली स्लोली आई विल बिल्ड द कलर। एक बार में बहुत ज़्यादा कलर की इंटेंसिटी नहीं चाहिए मुझे, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा रही हूँ। एंड मेरा आज का मेन जो काम है वो इनर कॉर्नर्स और आउटर कॉर्नर्स पे फोकस्ड रहेगा ब्लेंडिंग में आई शेडो के लिए। तो यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर्स के लिए एक पॉइंटेड सा ब्रश ले रही हूँ और सेम ऑरेंज कलर को ले रही हूँ फ्लैप पैलेट से। एंड देन आई विल प्लेस इट नियर माय इनर कॉर्नर्स। और बीच का एरिया जो है वो मैं छोड़ती जाऊँगी ताकि जो मुझे वाइब्रेंट सा कलर चाहिए वहाँ पे वो नज़र आए अच्छे से। तो आप देख रहे होंगे मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर्स और इनर कॉर्नर्स पे ही इन कलर्स को प्लेस कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट थोड़ी सी इंटेंसिटी को और डीप करने के लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का रोज़ इन द एयर आई शेडो पैलेट लिया है और उससे ये डार्क ब्राउन जिसमें ऑरेंज का हल्का सा हिंट है उसको ले रही हूँ और थोड़ा सा और इंटेंसिटी को कलर्स की बढ़ा रही हूँ आउटर कॉर्नर्स पर और इनर कॉर्नर्स पर। एक्चुअली ये कैमरे पे हल्का भी आपको काफ़ी नज़र आ रहा होगा, बट अगर आप इन कलर्स का इस्तेमाल करते हैं ना तो ऑफ़ कैमरा ये काफ़ी वाइब्रेंट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नज़र आता है। तो उसके बाद मैं एक अच्छे से फ्लफी ब्रश की मदद से सब कुछ ब्लेंड कर लूँगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का मेकअप फिक्सर और उस पर मैं ले रही हूँ एक फ्लैट टॉप ब्रश जिस पर मैंने लाइम ग्रीन कलर को अप्लाई करने के लिए यूज़ किया है। और फिक्सर लगाने से थोड़ा सा कलर का जो प्लेसमेंट होता है वो अच्छे से हो पाता है और थोड़ा सा इंटेंसिटी जो है उसकी और अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं कलर को उसी फ्लैट टॉप ब्रश की मदद से मिड पोर्शन पे अप्लाई कर रही हूँ एंड बाद में मैं उसे ऑरेंज कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड थोड़ा सा मिड पे इंटेंसिटी और बढ़ी रहे और थोड़ी हेलो आइज़ का लुक मज़ेदार आए, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, एक क्ले ऑफ पैलेट से, ग्लिटर पैलेट से मैंने सेम वैसा ही लेमनी सा ग्रीन कलर लिया है और उसको मैं प्लेस कर रही हूँ वही मिड पोर्शन पे। एंड ये मेरा आई मेकअप कंप्लीट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आज कोई आईलाइनर यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैं नायका का रॉक द लाइन काजल अप्लाई कर रही हूँ अपने इनर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन पे अच्छे से, जिससे कि एक अच्छे से डिफाइंड लुक मिले मेरे आईज़ को। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लैश सेंसेशनल मस्कारा टू कोट माई लैशेज़ विद
अच्छे से एक मस्कारा की कोटिंग, एंड इससे मेरी आईज़ जो होंगी काफ़ी वाइड ओपन होंगी। आप पूरे वीडियो के दौरान नहीं देखेंगे मैंने कोई फॉल्सीज अप्लाई की हैं, बट एट दी एंड मैंने अप्लाई की हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कोई आईलाइनर भी नहीं अप्लाई किया है मैंने, तो थोड़ा आईज़ को एक अच्छा लुक देने के लिए मैंने फ़ाइनल लुक देने के लिए फॉल्सीज अप्लाई किए हैं। नाउ आई विल मूव ऑन टू माय फेस मेकअप, एंड यहाँ मैं सबसे पहले प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस पे। प्राइमर आपके मेकअप को आप जानते हैं लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और अच्छे से पोर्स में फिल हो जाता है, जिससे हमारा जो फाउंडेशन होता है वो बहुत स्मूथली आपके स्किन पे जाता है। तो यहाँ पे मैं मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, 330 इसमें मेरा शेड है टॉफ़ी। इसे मैं अपने हाथ के पीछे लूँगी एंड देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, और ये काफ़ी अच्छा मैच करता है मुझे, परफेक्ट मैच है मेरा। बट ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी होता है, आपने सुना भी होगा, बट मैं सेम फाउंडेशन को अपने नेक पे भी अप्लाई करूँगी ताकि सब कुछ एक जैसा लगे और मेरा नेक और चेहरा जो है वो मिलता हुआ हो। तो ये आपको बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देता है, बट एक इवन कवरेज देता है जो कि काफ़ी नेचुरल लगता है, और आप फाउंडेशन देख ही रहे होंगे ये काफ़ी अच्छे से मुझे मैच कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद मैं करूँगी कंसीलिंग और थोड़ी सी हाइलाइटिंग। तो अंडर आइज़ पे थोड़ा सा मुझे डार्कनेस लग रही थी, तो उसको कवर करने के लिए मैं कर रही हूँ सेम कंसीलर का इस्तेमाल, और इससे हाइलाइटिंग भी हो जाएगी और आई मेकअप वगैरह जो है ये थोड़ा सा अच्छे से लाउड नज़र आएगा। एंड मैं बाकी अपने पूरे फेस के उन पोर्शंस को भी हाईलाइट कर लूँगी एंड देन मैं ब्लेंड कर रही हूँ सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। ये सारे स्टेप्स आप जानते हैं मैं हमेशा करती हूँ, तो येस आई विल स्किप एवरी सिंगल स्टेप जो मैं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा पोर्शन ही दिखाने की कोशिश करूँगी मैं। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक क्विर्की का फाउंडेशन स्टिक, जिसमें जो शेड मैंने लिया है वो बहुत अच्छे से मुझे कॉन्टूर करने में मदद करता है, और ये डार्क स्किन टोन्स के लिए काफ़ी अच्छा है। ये शेड नंबर 6 है और ये इससे मैं अपने फेस को थोड़ा सा डायमेंशन देने की कोशिश कर रही हूँ एज़ यूजल, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, एंड देन मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे आपको सारे ब्लेंडिंग नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज़ हम हर मेकअप ट्यूटोरियल में वो ज़रूर करते हैं, तो मैं इसे स्किप कर दूँगी। एंड मैंने नोज़ की कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल किया, ताकि ब्लेंडिंग जो है वो काफ़ी डिफाइंड हो सके और बहुत अच्छे से हो सके। इसके बाद मैं पूरा फेस जो है सेट करना चाह रही हूँ, और उसके लिए मैंने बेन9 बनाना पाउडर लिया है, और उसी सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं उसे पूरे फेस पे अप्लाई करके एंड देन मैं इसे अच्छे से एक ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी, और इससे हमारा सारा मेकअप जो है ना वो लॉक हो जाएगा अपनी प्लेस पर। आफ्टर दैट थोड़ा सा और ब्रॉन्जअप करने के लिए यहाँ पे मैं ब्रॉन्जर ले रही हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। ये काफ़ी अच्छे से मुझे चला जाता है, मतलब काफ़ी नेचुरल लुक देता है, इसलिए मुझे ये बेहद पसंद है। तो इससे मैं थोड़ा सा और डेफिनेशन देने की कोशिश कर रही हूँ अपने फेस के, तो अपने फेस के जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टोरिंग की थी वहाँ पर इसे अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि थोड़ा सा और डेप्थ और डेफिनेशन मिल जाए। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी एक ब्लश, और ये ब्लश भी मैं बहुत लाइट यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज आज का मेरा पूरा फोकस जो है वो मेरे आई मेकअप पर होना चाहिए, इसलिए मैं बाकी का जो रेस्ट ऑफ द मेकअप है वो थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करूंगी। एंड आफ्टर अप्लाइंग माय ब्लशर मैं यूज़ करूंगी मास्टर क्रोम हाइलाइटर, और इससे मैं अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूंगी एज यूजुअल, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। तो अपने फेस को हाईलाइट करने के बाद मैं एक पॉइंटेड ब्रश की मदद से अपने अंडर आईब्रोज़ के नीचे का जो एरिया होता है, मतलब ब्राउ बोन जो होती है उसको, और अपने आईज़ के इनर कॉर्नर्स को भी इसी सेम हाइलाइटर की मदद से अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी, ताकि जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा और कम्प्लीट हो जाए। इसके बाद मैं सेम मेकअप रेवोल्यूशन का मेकअप फिक्सर ले रही हूँ, और इसे थोड़ा सा डिस्टेंस से अपने फेस पे करूँगी स्प्रे, और देन उसको एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा मेकअप वगैरह है मेरे फेस से वो बाहर आ जाए। एंड फाइनल हम करेंगे लिप्स को ग्रूम, और इसके लिए मैंने एक ADS लिप पेंसिल ली है, लोकल मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। एक्चुअली मुझे ब्राउन कलर चाहिए था लिप पेंसिल में, जो मेरे पास था नहीं, तो मैंने ADS का यूज़ किया है, और इससे मैं अपने लिप्स को आउटलाइन कर लूँगी पहले एंड देन मैं इसे पूरी तरह से फिल कर लूँगी। इसके बाद मुझे एक न्यूड शेड चाहिए था, तो मैंने मिस क्लेयर का 56 शेड नंबर लिया है लिप क्रीम का, और इसको मैं अप्लाई करूँ अपने लिप्स पे। बट मुझे ना थोड़ा सा ब्राउन का हिंट चाहिए था, जो मुझे लिपस्टिक में नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक आई शेडो पैलेट लिया, मिस क्लेयर का ही है, और उससे थोड़ा सा जो ब्राउन हिंट में मॉव कलर है उसको लेके अपने पूरे लिप्स पर डैब डैब कर लिया है, तो इससे मुझे थोड़ा बहुत वो कलर मिल गया है जो मैं चाह रही थी।
आफ्टर दैट मैं आई मेकअप को कंप्लीट कर लूँगी और मैंने सेम ऑरेंज कलर एक पॉइंटेड ब्रश की मदद से लिया है और उसे लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लिया है और हियर वी गो विद आ कंप्लीट आई मेकअप। दिस इज़ व्हाट इट टर्नड आउट। मैंने फेक लैशेज अप्लाई किए हैं बट मुझे ये लुक काफ़ी पसंद आया है, तो आई होप आप इस लुक को इन्जॉय किए होंगे। अगर किया है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, स्टे होम स्टे सेफ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप लविंग। बाय बाय एंड टेक केयर।